किल्टू आई थिंक वो उसको बोल रहे हैं जो ये पीठ पे उन्होंने वो रखा हुआ है अगर देख के। बीट्स की बात की जाए तो बाबा बीट्स तो बहुत ही ग्रूवी है जिस तरीके से शुरू आ रहा है। और किसी शादी या किसी उसमें देखा था वहां तो बहुत सही लग रही थी। काफी, कल्चर है, काफी डोमिनेटेड कल्चर है वहां हिमाचल में पंजाब का। हाँ जब तो क्या हालचाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, वी आर ज्वेल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वेल एंड दिस इज अक्षित ज्वेल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल नए तड़कते फड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज हम आपके लिए और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम ऐसे दो आर्टिस्टों को हमने पिक करा है और सिर्फ आपके लिए हम लेके आए हैं। उनका एक नया गाना रिलीज हुआ है गाइस, और ये जो आर्टिस्ट हैं गाइस, ये दोनों हिमाचल के आर्टिस्ट हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक और हिमाचल के आर्टिस्ट है जिनके गानों पे हम रिएक्ट करते हैं, दैट इज हाजो हाजरी। पर उनके साथ साथ अब दो आर्टिस्ट हमें और मिले, इनको हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही सुना और गाना थोड़ा हिमाचली फील वाला हमें लगा और पता चला यार हिमाचल में और कौन कौन से आर्टिस्ट उभर रहे हैं, तो हमने सोचा इनके गाने पे रिएक्ट करना तो बनता ही है। तो गाने का नाम जो है वो बिल्कुल हिमाचली ही कोई वर्ड है, दैट इज कॉल्ड किल्टू। किल्टू नाम है हिमाचली, मुझे मतलब सुनने में तो कुछ हिमाचली ही वर्ड ही लग रहा है ये, राइट? शायद उनकी लोकल लैंग्वेज का, नेटिव लैंग्वेज का हो। तो गाइस, ये जो गाना है इसमें दो आर्टिस्ट हमारे, एक हैं सिराजी एंड एक हैं एक्सटेंडिक, दोनों ने कोलैब करा हुआ है साथ में एंड म्यूजिक दिया है, दिखा है निखिल माल्या ने। फिल्म बाय अविनाश भुशारी एंड एक्टर हैं वो नेहा है इसमें। वीडियो एडिट मिक्स एंड मास्टर करा है सिराजी ने खुद ही। तो ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में, अब थोड़ी जानकारी आपको भाई देंगे हमारे चैनल के बारे में। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन और हिमाचल इस बार दो नए आर्टिस्ट को हम आपके सामने उठा के लाए हैं। हाजो के आपके हिमाचली रैपर पर हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं, पर इस बार हम दो नए आर्टिस्ट सिराजी और एक्सटेनिक को उठा के लाए हैं और इनका ट्रैक है किल टू, उस पर हम रिएक्ट करने वाले हैं। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थित हैं हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो स्पॉटिफाई पे हमारी पॉडकास्ट भी रिलीज हो चुकी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, चेक इट आउट, राइट? तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना सीधे गाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस बार हिमाचल हिप हॉप में चल क्या रहा है, राइट? लेट्स रिएक्ट, गो, लेट्स रिएक्ट हिमाचल, या किल टू सिराजी, ओ एक्सेनिक, अरे वो बहुत सही दिखा रहा है यार, एनिमेशन इज स्टाइल आ गया। सोनेरी वाड़ी ना कोरा को का पिंटू की शादी में लग रहे थे टोटा मादा तेरा गॉटू आई एम सो थक आए गया हूँ तो चल पिटू तोड़ी मेरा दिल डू तो थोड़ा मेरा दिल किल्टू आई थिंक वो उसको बोल रहे हैं जो ये पीठ पे उन्होंने वो रखा हुआ है, आई थिंक क्योंकि आप ये देखो ना, पिट्ठू पे पारी किल्टू दिलड़ू तू मेरा, ऐसे करके कुछ बोल, तो मेरे को लग रहा है वो पिट्ठू पीठ पे, हो सकता है पीठ पे जो वो रखा हुआ है जो कंडी टाइप की रखी गई है, आई थिंक मुझे जितना समझ में आ रहा है। बताइएगा उसको, 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 उसको किल्टू बोलते हैं शायद, जो हमारे हिमाचली दर्शक है गाइस हमें बताइएगा क्या कि एक्चुअल में किल्टू किसे कहते हैं आपके लोकल लैंग्वेज में, बताइएगा कमेंट करिए। हाँ, मुझे ये मुझे जो गाइस महसूस हो रहा है वो पीछे जो उन्होंने लगा रखा है उसको देख के, बीट्स की बात की जाए तो बाबा बीट्स तो बहुत ही ग्रूवी है जिस तरीके से शुरू आ रहा है, और थोड़ा और हिमाचली कुछ शायद हिमाचली डायलेक्ट और डायलेक्ट भी उनका वैसे ही है और बिल्कुल फील आ रहे हैं वो, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जिस तरीके का म्यूजिक बज रहा है उसमें थोड़ा सा पंजाबी फोक फ्लेवर आ रहा है, नहीं आ रहा है फोक का वो, क्योंकि हिमाचल का जो है वो पंजाब से ही बॉर्डर पूरा वो होता है ना, और हिमाचल में आपका पंजाब का एसेंस काफी मिलेगा आपको, मिक्स मिक्स कल्चर है, काफी डोमिनेटेड कल्चर है वहाँ हिमाचल में पंजाब का। हाँ, जबकि लैंग्वेज भी अलग है पर मिलती है कहीं ना कहीं, वो वर्ड्स का वो आता है थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है पंजाबी का।
देखा भी ना, तो भाई बहुत सही चल रहा है। उन्होंने हुक से शायद स्टार्ट करा है कि वो पीठे में किल टू एंड दिल मेरा तोड़ा तूने ऐसे करके कुछ समथिंग, और किसी शादी या किसी उसमें देखा था वहां तो बहुत सही लग रही थी ऐसे करके उन्होंने कुछ स्टार्ट कराया गाइस। पर बहुत तो यार गाना तो बहुत सही और ना वॉइस भी थोड़ा सा अलग, या तो मॉड्यूलेट करी उन्होंने वॉइस, जो कोरस टाइप की सिंगिंग है ना उसमें पंजाबी स्टाइल वो उस टाइप का नहीं होता, उस स्टाइल का थोड़ा सा स्टाइल पकड़ा हुआ है। और गाइस बीच में जो एनिमेशन आ रहा है वो प्रॉपर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा और ट्रांजिशन हो रहा है उसमें, ये ट्रांजिट कर रहे हैं उसमें और वो एकदम से फिर बैकवर्ड बैकवर्ड हो रहा है, बैक एंड फोर्थ जो चल रहा है बहुत सही थे। चलिए गाइस रिएक्ट करते आगे। ये तो पंजाबी ही हो रही है पूरी, पंजाबी और हिमाचली ना साथ बोल रहे हो, ब्लेंड कर रहे हैं। थोड़ा मिक्स है ये, मिक्स है वो हिमाचली वापस नहीं आंदा चाहे जोड़ दियो हाथ छोरिए रॉय कोर है मेरे साथ छोरिए सीजन आदि मेरे साथ साथ सेब तोड़िए। बहुत अलग डिफरेंट वाइब है गाने की ना, बहुत ही डिफरेंट वाइब है। मैंने अब वापस नहीं होनी है ये बात छोरिए नाइस पिट द पाई गिल टू के हां सही बोल रहा है सारा बाजार तेरे आगे पीछे पड़े लुंड लपाड़ बगीचे कभी नाचे डीजे महंगी महंगी तू सस्ते हैं सारे, अच्छा तू फोर लेन बेबी रस्ते हैं सारे, अच्छा तू बसते हैं सारे, तू माया जाल जिसमें फंसते हैं सारे। अरे मतलब बहुत सही सही चीजें बोल रहे हैं यार। वो स्टार्टिंग में ही उन्होंने जब स्टार्ट करा अपना तो बहुत, एक तो उन्होंने बोला कि तू लुई विटॉन है सारे बसते हैं सारे, बसते मतलब बसते बैग्स हैं और लोग नॉर्मल मतलब बाकी सारे नॉर्मल रस्ते हैं, तू फोर लेन टाइप का बता रहे, बड़ी अच्छी सड़क है तू, मतलब फोर लेन के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं वो। और स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि भाई तेरा रूप इतना सही है कि सारे जो लॉन्डे वो तेरे पीछे पड़े हुए हैं। इनका जो रैप करने का स्टाइल जो फ्लो है ना थोड़ा थोड़ा एमसी स्क्वायर से डिस्टिंक्ट लग रहा है, थोड़ा एमसी स्क्वायर इसी स्टाइल का मतलब रैप करते हैं क्योंकि वो हरियाणवी में करते हैं, ये थोड़ा हिमाचली और पंजाबी वो डायलेक्ट है उनका। हाँ जी, पर जो स्पिटिंग स्टाइल है जो थोड़ा बहुत जैसे जिस तरीके से वो करते हैं वो थोड़ा बहुत इस तरीके से ही आता है बिल्कुल, पर गाना ग्रूवी है, बीट्स पीछे जो फोक बीट्स चल रही है ना वो बिल्कुल, बिल्कुल बहुत मजेदार। देखिए सारी चीजों को बहुत सिंपल ही रखा गया, पर जो स्पिटिंग का वे है, जो वॉइस का टेक्सचर है और जिस तरीके से शूट करा है, जिस तरीके से चीजों को रखा गया ना वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट करा गया है। मतलब जिसने भी एडिट करा है उस पर काम करा ना भाई बहुत सही करा है, मतलब बहुत सही वो ले रखा है। बाकी शॉर्ट्स तो देखा ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल शॉर्ट्स नहीं, लेकिन नॉर्मल शॉर्ट्स को कैसे उन्होंने वाव बनाया ना वो चीज दिख रही है यार। ऐसा ना कई बार क्या होता है आप कई वीडियोस में एनिमेशन देखते हो ना तो एनिमेशन उतना स्मूथ नहीं होता, यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है ना एनिमेशन से रियल लाइफ में और रियल लाइफ से एनिमेशन वो बड़ा स्मूथ चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है। और वर्ड्स भी उनका ना बहुत सही आ रहा है, वो जिस तरह से वो कर रहे हैं ना, उन्होंने फॉरेस्ट को और ये उसको भी थोड़ा सा वो लिया है उन्होंने कई जगह पे, बहुत सही सही वर्ड्स लाइनें मारी हैं गाइस। चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं आगे। डिमकाना मैं गाता रहूं गाना मेरा आना जाना तेरे घर के बाहर, तेरे घर के बाहर कार कुत्ता खूंखार कार कुत्ता भाऊ भाऊ शक्ति कपूर करूं आऊं 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 शक्ति कपूर मेरे को लगी टेर पर तेरे आगे पीछे करूं म्याऊ म्याऊ ठुमक ठुमक टपे सारा बाजार तू। मतलब आप देखो ना गाइस उन्होंने कितने सही से लिखे कि तेरे घर पे जो कुत्ता है उसको वो करे भाऊ भाऊ मैं तेरे घर पे मतलब देखने तेरे को आऊं आऊं अरे भाऊ भाऊ। और फिर उसके बाद वो ये चीजें भी बोल रहे हैं कि भाई सारी दुनिया के आगे तो मैं शेर बना रहा हूँ पर तेरे आगे करूं मैं म्याऊ म्याऊ। ये बोल रहे हैं कि तेरे घर के कुत्ता तेरे घर के बाहर कुत्ता भाऊ भाऊ शक्ति कपूर जैसे मैं आऊ आऊ। और फिर वो फिर बोल रहे हैं कि तेरे सामने म्याऊ म्याऊ दुनिया के सामने तो जैसे मैं शेर हूँ पर तेरे आगे करूं मैं म्याऊ म्याऊ। तो भाई
थोड़ा फनी एलिमेंट, फनी वे में उसको कर रखा है। और थोड़ा सा इनका पता कैसे चल रहा है, जैसे वो नहीं होता अबे मैं बोल रहा हूँ ना, तू क्या समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को, ये वाला फील नहीं होता, नहीं करता जैसे भाई 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 वैसा वाला थोड़ा, मतलब जो होता नहीं धमकाने वाले स्टाइल, अबे मैं बोल रहा हूँ ना यार, तो वो वाला एक थोड़ा डायलेक्ट ले रखा उन्होंने, पर अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है सुनने में, थोड़ा रैपिंग स्टाइल इंटरेस्टिंग है यार, मतलब दोनों का ही। और उस वो तो कोरस भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, खैर यार मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। सिंगिंग भी काफी अच्छी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने गाने को ना बहुत इंटरेस्टिंग बनाया, चाहे वीडियोग्राफी वाइज देखो, चाहे वर्ड्स वाइज देखो, चाहे आपके हुक वाइज देखो, हर तरह से उसको ना इंटरेस्टिंग बना दिया इन्होंने गाने को। रैप का, रैप की ना ये सबसे अच्छी बात यही होती है कि कई बार क्या होता है, वर्ड्स बहुत सिंपल होता है, वर्ड्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, पर जिस स्टाइल से आप स्पिट करते हो ना, वो उसे इंजॉयबल बना देता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं ना रैप में, वो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत सही तरीके से उन्होंने वो करा है गाइस, मजा आ रहा है गाइस, मजा। चलिए रिएक्ट करते हैं। मस्त है यार, मतलब बहुत बढ़िया, एक पहली बार किसी आर्टिस्ट को पिक करा पर गाने इतना मस्त है यार, मजा आ रहा है, मतलब बहुत ग्रूवी सा सॉन्ग है एंड बहुत हैप्पी सॉन्ग है, हैप्पी सॉन्ग भी है, वही ना आप इंजॉय करते हो, इंजॉय करोगे आप ना, मतलब ये चीज मुझे बहुत सही लगी यार, मतलब इन लोगों ने ना बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करा गाने को ना, और उतना ही उसको इंटरेस्टिंग बनाया, जो बहुत इंटरेस्टिंग बना रखा है, चाहे आपके वर्सेस में जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं भाई, वो बहुत ही सही यूज कर रखे उन्होंने। आपका ट्रैक ना, ट्रैक का आधा काम, अगर आपका ट्रैक इंजॉयबल हो रहा है, जनता सुन रही है ना, आधा काम आपकी बीट्स ही कर देती हैं, फिर उसके ऊपर आप कैसा स्पिट कर रहे हो वो तो रैपर्स का काम होता है, पर अगर आपकी बीट्स ही ग्रूमिंग, क्योंकि इसमें देखो ना फोक स्टाइल बीट्स डाल रखी हैं, जिस तरह का पीछे बीट्स बज रही हैं वो ऐसे पंजाबी फोक में यूज होती हैं ऐसी बीट्स, तो वो बहुत सही लग रहा है यार, मजा आ रहा है गाइस, बहुत सही है गाइस। ये जाके आप एक बार किल्टू को इनके ऑफिशियल चैनल पे जाके चेकआउट जरूर करिए गाइस, बहुत डिफरेंट वाइब वाला फील है, आपको पहाड़ों की एक फील पहुंचाएगा, हिमाचल के पहाड़ों की फील जरूर पहुंचाएगा, गाना इसमें वो फील है, वो एसेंस पूरा पता चल रहा है, पूरा फुल एसेंस के साथ बनाया गया इस गाने को। तो गाइस आप जरूर जाके इसे चेकआउट करें, और इसका रिएक्शन आपको पता ही कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए एंड हमारा रिएक्शन चेकआउट करिए गाइस, बताइए आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, आपको ये गाना कैसा लगा। आज हम स्पेशली सबके लिए गाना लेके आए कि इस गाने को उतना प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्टों ने बहुत अच्छी मेहनत, अच्छा काम किया और बहुत अच्छी मेहनत करी है गाइस। तो और अच्छे काम को हमेशा सराहना और सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए गाइस, राइट। तो गाइस बताइए आपको ये गाना कैसा लगा, एंड अब हम वीडियो के समापन की तरफ आ चुके हैं, तो फिर वापस आएंगे गाइस हम एक नए आर्टिस्ट के साथ, एक नए रैप के साथ, एक तड़कते फड़कते फील के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय सियाराम।